कैसे लग रहे मेरे बाल? मस्त। सही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी फिलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी फिलहाल का सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ फाइनली हेयर कट करवाने के लिए, इसलिए बिना नहाए व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दिवाली से पहले सोच रखा था हेयर कट करवाओ, तो आज फाइनली हेयर कट करवा रहा हूँ दिवाली के बाद। दिवाली पे भी नहीं हो पाया था हेयर कट, तो आप लोग लास्ट बार मेरे ये लंबे बाल देख लो, देखो मैंने कितने बढ़ा दिए, यहाँ तक बढ़ा दिए थे, और अब मैं फाइनली इनको शॉर्ट करवा रहा हूँ। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में छोटे छोटे बाल ही दिखेंगे। बाकी मेरा तो कटवाने का मन था नहीं, बट फिर भी एक बार सोच रखा था तो कटवा देते हैं। देखो सुबह सुबह भी हमारी गली खाली खाली रहती है, इतना चहल पहल नहीं रहता है। फाइनली आ गए सैलून पे, तो अभी फाइनली हेयर कट के लिए सीट पे बैठ चुका हूँ, अब हेयर कट करवाएंगे। अब कैसे होंगे बाल वो देख लेना। तो प्रिंस भाई हमारे हेयर कट करेंगे, हर बार यही करते हैं। फाइनली गाइस हेयर कट हो गया है। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया हेयर कट किया। और आप लोग अगर पिनवाड़ा से हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो हेयर कट के लिए। तो इस बार मैंने 2 या 3 महीने के बाद हेयर कट करवाया है, और दिवाली पे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, तो मेरा नंबर ही नहीं लगा, बहुत भीड़ थी बहुत दिवाली पे। तो अभी घर पे आ गए हो, अभी नहा लेता हूँ। इतने बाल वगैरह तो चढ़े नहीं है, बट सुबह से नहाया नहीं हूँ, तो एक बार नहा लेता हूँ। और हेयर कट कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में बता देना। तो अभी फिलहाल मैंने अपना खाना ले लिया है, सब्जी बाटी और चूरमा, और मैं बढ़िया से नहा के मस्त रेडी भी हो गया हूँ अपनी फेवरेट टी शर्ट डाल के। और मैंने गाइस ना ज्यादा एकदम मतलब कोई स्पेशल हेयर कटिंग नहीं करवाई, बिकॉज मैं हर बार नॉर्मल हेयर कट ही करवाता हूँ, तो नॉर्मल हेयर कट ही करवाया। चलो फिलहाल खाते हैं अपना खाना। तो अभी फिलहाल मेरा खाना हो चुका है, अब चलते हैं थोड़ा बाहर और घूम फिर के आते हैं। कैसे लग रहे मेरे बाल? मस्त। सही है। और ये देखो बेर खा रहा है भाई, अभी लेके आया बाहर से। हमारी गली आपको ऑल टाइम शांति दिखेगी, मतलब देखो अभी यहाँ पे लड़के वगैरह नहीं खेल रहे। पहले गाइस बहुत मजा आता था यहाँ पे, मतलब गली में खेलने का वगैरह। हम लोग ना यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे हमारा स्टंप होता था, यहाँ से बॉल डाली जाती थी, और इस घर का कोना ना हमारी बाउंड्री था, यहाँ पे 6-4 लगते थे। उस टाइम की तो बात ही अलग है, तब तो बहुत मजा आता था। गला सूख रहा है मेरा, तो मैं तो जाता हूँ फ्रूटी पी के आता हूँ बढ़िया। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे गली में ही बैठता हूँ और फ्रूटी पीता हूँ। ये देखो निर्मल भी कुछ लेके आया है, खाते खाते ही जा रहा है। जाओ भाई घर पे जाओ। तो यहाँ पे बैठे बैठे फ्रूटी तो पी ली। तो अभी मैं तो फिर से जा रहा हूँ बाहर, मैं बस डस्टबिन में ये फेंकने के लिए आया था। चलो तो मैं तो गाइस अभी पैदल पैदल पार्क में जा रहा हूँ, और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मैंने सोचा पार्क में ही चलते हैं। लिटरली गाइस जो सामने व्यू हो रहा है, एंड देखो सर्दियाँ भी आई है, तो यहाँ पे ये मार्केट भी लगे है कुछ कंबल के वगैरह। तो अब मेरे को भी ना ये हाफ स्लीव टी शर्ट पहननी बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज शाम होते ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। आ गया घूमते घूमते पार्क, चलो भाई अंदर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद पार्क में आया हूँ ना, तो मतलब अच्छा सा लग रहा है, एंड शाम का टाइम भी है तो थोड़ी सी ठंडक भी है। तो मैं तो बढ़िया यहाँ पे सीट पे आके बैठ गया हूँ। और एक प्रॉब्लम हो गई है गाइस हमारे चैनल पे, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, बट मेरे को लगता है कि आज वो आपसे शेयर करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ गई है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक है अभी फर्स्ट। तो अभी पार्क की लाइट भी ऑन हो गई है, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, मतलब सर्दियों में जल्दी जल्दी नाइट हो जाती है, तो अब अंधेरा होना शुरू हो गया, तो घर पे चलते हैं। तो अभी मेरे को प्रथम मिला है रास्ते में, तो ये बोल रहा है घर तक छोड़ देगा, चलो चलते हैं। गली तक ड्रॉप कर दिया प्रथम ने, अब चलते हैं घर पे। तो खाना बनना भी शुरू हो गया हमारे घर पे, तो मैं तो अभी गिटार लेके जा रहा हूँ ऊपर छत पे जाके बढ़िया बजाते हैं। निर्मल देखो अभी भी पतंग उड़ाता है भाई, पतंग का सीजन आया नहीं, उससे पहले पतंग उड़ाने लगा। चलो फाइनली आ गए ऊपर, तो अब बजाते हैं गिटार। इतना टाइम हो गया गिटार को लाए हुए, बट अभी तक मैं सही से बजाना नहीं सीखा हूँ, तो ऐसे रोज रोज प्रैक्टिस करूंगा ना, थोड़ा बहुत बजाऊंगा,
तो अपने आप मेरे को बजाना आ जाएगा। और आज का दिन ना मेरा पूरा बोरिंग है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और व्लॉग स्टार्ट कर लिया इसलिए मैं व्लॉग पूरा बना रहा हूँ, मैं ऐसे व्लॉग बीच में नहीं छोड़ सकता। तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि अभी तक मैं सही से बजाना नहीं सीखा हूँ। एकदम सही से बजाना सीख जाऊंगा ना तब आपको सही से बजा के बताऊंगा कि मैं कैसा सीखा हूँ। तो थोड़ी देर गिटार बजाया और अब नीचे से बुलावा आया खाने के लिए, तो चलो चलते हैं। ये बढ़िया बढ़िया यहाँ पे गोदी में आ गया मेरे। अभी यहाँ पे लटका रहेगा ना तो अच्छे से मैं देखो डोर भी लॉक कर सकता हूँ। ये देखो ये बेल्ट नहीं लगाया हुआ होता तो रखना पड़ता, बेल्ट लगाया हुआ है इसलिए बस बढ़िया से बंद हो गया। नीचे चलते हैं, आज कुछ खाने में स्पेशल बना है तो अभी फिलहाल खाना खाते हैं। तो खाना मैंने ले लिया है, बढ़िया दाल चावल बने आज। चम्मच लेने भूल गया भाई, ठंड में तो आसन बिछा के ही बैठना चाहिए। देखो निर्मल की थाली लग गई है बट निर्मल नहीं आया है। खाने बैठो, खाने थाली लग गई बट ये नहीं आया था। हाँ भाई, तो अभी गाइस फाइनली मेरा खाना हो चुका है और इस व्लॉग को फिलहाल अभी एंड करते हैं। तो आज का दिन तो मेरा बोरिंग ही गया है एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। बाहर तू दुनिया ही बदल दूं मैं जो प्यार सा चमत्कार है।